बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हमें ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। हम देखेंगे हमारे चारों ओर ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें जंगल से प्राप्त होती हैं। किताब का कागज, दरवाजे, खिड़कियां, कपड़े रंगने वाले रंग, मसाले, टॉफी के सेलोफेन रैपर, वीडियो के तेंदुपत्ता, शहद, चाय, कॉफ़ी, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो कि साल बीजों से निकाला जाता है, चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला शोधक टैनिन, दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, ये सब भी हमें जंगल से प्राप्त होती हैं। बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग होने वाली वस्तुएं, पशु पक्षी तथा ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगल से ही आती हैं। अमेज़न पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियाँ मिलती हैं। अब ये विविधता से समाप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% था। औद्योगिक इस्तेमाल खेतीबाड़ी, चरवाहों, ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। वनों के विनाश तथा लुप्त होने के विषय में जानेंगे। अपनी औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था। 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज वह आंकड़ा आधे हिस्से के बराबर है। आबादी बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की मांग में बढ़ोतरी हुई। किसानों ने भी जंगल साफ करके खेती करने की सीमाओं में बढ़ोतरी की। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैला। इसके कई कारण थे। अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया। 19वीं सभा ग्रुप में शहरी आबादी का पेट भरने के लिए धान और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, जिस कारण इन फसलों में बढ़ोतरी हुई। सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अन्न उत्पादक समझा तथा उस पर खेती करके राजस्व कृषि उत्पादकों को पैदा करा। इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी तथा खेती योग्य जमीन से 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन इसके लिए जंगलों को काटना पड़ता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति जहाज और शाही सत्ता के लिए आवश्यक थी। 1820 में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे। बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। रेलवे लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। रेलवे लाइन के प्रसार के साथ साथ बड़ी बड़ी संख्या में पेड़ भी काटे गए, निजी ठेके दिए गए। इन्होंने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू किया तथा रेलवे लाइनों के नज़दीक के जंगल तेजी से समाप्त हो गए। क्रियाकलाप एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की ज़रूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद की पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं, तो हिसाब लगाकर देखेंगे कि एक मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। बागान विषय में जानेंगे। यूरोप से चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इलाकों की बड़ी बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। व्यवसाय वानिकी की शुरुआत को जानेंगे। स्थानीय लोगों द्वारा जंगल का उपयोग तथा व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अधिक कटाई से जंगल नष्ट होने के खतरे को देखकर जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रेनडिस देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानून की मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह 1864 वन सेवा की स्थापना की अधिनियम सूत्र पर बात करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ की शिक्षा पद्धति को वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए।
ऐसे बगान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया। पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। तय किया गया कि बागान के लिए कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पेड़ लगाए जाते थे ताकि कुछ ही वर्षों में ये क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 के वन अधिनियम में दो बार संशोधन करने के बाद जंगलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। इन जंगलों से अपने लिए उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे व घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। जंगलों के कारण गांव का जीवन प्रभावित हुआ। गांव वाले अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे पत्तों के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों, रेलवे की इमारतों, लकड़ी मुहैया करा सकें, जो सबसे लंबी और सीधी हो। इसलिए सौगान और साल जैसी प्रजातियों का प्रोत्साहित किया गया और दूसरी केस में काट डाली गई। वन इलाकों में लोग कंदमूल, पत्ते आदि वन उत्पादों के विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने के लिए भी होता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती हैं। इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हाड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगल में सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाऊ, फेंकू, पत्तल और दोने भी बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर के कांटेदार छाल पर सब्जियाँ छीली जा सकती हैं। महुआ के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वन अधिनियम के कारण देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गईं। पास से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर होते थे जो उनसे घूस वसूलते थे। जलाने लकड़ी को एकत्र करने वाली विशेष तौर पर परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। वनों के नियमों से खेती भी प्रभावित हुई। सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर पड़ा। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों पर ये खेती का एक पारंपरिक तरीका है जिसके कई स्थानीय नाम हैं। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, बोंडू, खंदाद और कुमारी ऐसे ही स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों में एक या दो साल फसल करने के बाद इन्हें 18 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता है जिससे यहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फली। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में ये तरीका जंगलों को नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो। ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। जंगल चलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फेल लपटों में ना जाने का खतरा बना रहता था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगाना भी मुश्किल थी, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आज़ादी के बारे में जानें। जंगल संबंधी नए कानूनों ने जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। एक कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। पहले यह पारंपरिक था पर अब गैर कानूनी हो गया। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। दूसरी तरफ बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादा और सम्राट शिकार का मजा लेते हुए दिखाए गए हैं, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन आने तक बढ़ी की कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान के सभ्य बनाएंगे और दूसरे बड़े जानवरों का शिकार करने पर ये कहकर इनाम दिए गए कि इनको खतरा है। इनाम के लालच में अधिक संख्या में बाघ, तेंदुए, भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल
के रूप में देखा जाने लगा। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, इन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाओं के विषय में जानेंगे। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण होने से लोगों के कई तरह के नुकसान हुए। कुछ को व्यापार के नए अवसर मिले, कई समुदाय अपने परंपरागत पीछे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। लगभग सारी दुनिया में ही ऐसा होने लगा। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कुछ अलग बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथी और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम की खोई, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। व्यापार पूरी तरह अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में चला गया। उन्होंने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। घुमंतू कबीलों की आजीविका समाप्त हो गई। इन्हें अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। चाय के बागानों के लिए अनेक आदिवासियों को कम मजदूरी पर गाँव से उठाकर भर्ती कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। वन विद्रोह के विषय में पढ़ेंगे। हिंदुस्तान तथा दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर होने वाले बदलाव के खिलाफ बगावत की। ऐसे ही विद्रोह बस्तर रियासत में 1910 में हुआ। बस्तर कई सीमाओं पर लगा हुआ क्षेत्र है। इसका केंद्रीय भाग पठारी है। दक्षिण में गोदावरी नदी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग जबान होने पर भी इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। ये लोग अपने गांव की सीमाओं के भीतर समस्त प्रकृति की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल थोड़ी लकड़ी लाना चाहते हैं तो इसके बदले भी एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता है। कुछ हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं। वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। वर्ष में एक बड़ी सभा में गाँव के मुखिया इकट्ठे होते हैं और जंगल सहित दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा 2/3 आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने में शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्तावों से बक्सर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे, जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गाँवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी लोगों को किसी सूचना या मुआवजे देकर हटा दिया गया। काफ़ी समय से गाँव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा अफसरों के हाथों में बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। बाद में उन्होंने बाजारों, त्योहारों, हर जगह इकट्ठा होने इन मुद्दों पर चर्चा करनी शुरू की। 1910 आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और गांव-गांव चक्कर काटने लगे। ये बगावत का संदेश था। हर गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों, व्यापारियों के घर, स्कूल, पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया। अनाज का पुनर्वितरण किया गया। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबू को घेर उन पर गोलियां चला दी। बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेज़ों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। गुंडाधुर को पकड़ सके। लाभ ये हुआ कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए साल स्थान पर देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप योजना को रोक दिया गया। इंडोनेशिया 110 उपनिवेश या भारत व जीवन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया के जावा डचों ने वन प्रबंधन शुरुआत की। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। जब जावा की रियासत बटी तो 6000 कलंग को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके बिना सागौन पेड़ों की कटाई और राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। जब डचों ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तब उन्होंने कोशिश की कलांग उनके लिए भी काम करे। उन्होंने डच के किले पर हमला करके प्रतिरोध किया, परंतु उनका विद्रोह दबा दिया गया। लोगों तथा इलाकों दोनों पर नियंत्रण हो गया। वन कानून लागू कर ग्रामीणों व जंगल के लिए बंदिशें लगा दी। इसके बाद नाव या घर बनाकर उनकी निगरानी में काटी जाती थी।
गांव को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने, जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों को चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। यहाँ भी वन प्रबंधन तथा वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पड़ी। 1822 अकेले जावा से ही 280,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। पेड़ काटने, हमको ढूंढने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ी। बच्चों ने पहले तो जंगलों में टी की ज़मीनों पर लगान दिया। कुछ गांवों को इस शर्त पर से मुक्त किया कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी वैसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंडॉग डियनस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में लगान माफ़ी की बजाय थोड़ा मेहनताना दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के इनको अधिकार को समाप्त कर दिया गया। शामिन की चुनौतियों को जानेंगे। 1890 के लगभग साबुन के जंगलों में स्थित निवासी सुरोंती को शामिन जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उनके अनुसार हवा, पानी, जमीन और लकड़ी नई भी नहीं है, उन पर उस सबका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी एक व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। इसमें उनका दामाद भी सक्रिय था। जीवन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ समान वादियों ने अपनी ज़मीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि कुछ ने लगान या जुर्माना भरने या बेगाड़ से मना कर दिया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुतायत पेड़ काटे। जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, जिसके तहत आरा मशीन और सगुन के विशाल लड्डू जला दिए गए ताकि जापानियों के हाथ ना लग जाए। जापानियों ने वनस्पतियों को जंगल वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगल का दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। बाद में इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन ज़मीनों को वापस हासिल करना मुश्किल था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रण करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की बार बार टकराव पैदा होते हैं। इसलिए वन से इन इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी चाहिए। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल इसलिए बच पाए क्योंकि ग्रामीणों ने रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की आप रक्षा करते रहे हैं। हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। ये बच्चों, अब हम अपना ज्ञान परखेंगे। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा प्रयास है। आइए अब उत्तर जानें। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।